लालकुआ में तंजीम रजा कमेटी द्वारा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए धर्मगुरु, उलेमाओं और शायरों ने तकरीर व नाते पाक से समा बांध दिया। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अदनान रजा खान कादिर ने देश में अमन चैन और भाईचारे का संदेश देते हुए सभी से मिलजुल कर रहने की अपील की। वहीं कॉन्फ्रेंस में पहुंचे मौलाना सैयद शबाहत मियां ने समाज में मोबाइल के दुरुपयोग से समाज में फैल रही कुरीतियों और मुहर्रम पर जायज व नाजायज के बारे में तकरीर कर जागरूक किया। तो कल योम शहादत है, उसी के सिलसिले में यह हर साल प्रोग्राम होता है। इमाम अली मकाम वो है जिन्होंने जालिम और जुल्म के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई और भूख के प्यास से आप शहीद हो गए, मैं बच्चों के साथ। इसी वजह से इमाम अली मकाम को मानने वालों में सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं है, हर मज़हब का, हर मत का आदमी जिसके अंदर सूझबूझ है, जो इमाम हुसैन को जानता है वो हुसैन को मानता है। उनका पैगाम यही था कि बुराइयों से परहेज करे इंसान और बाले कभी ना झुके और बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हर तरह के की बिदात को इमाम अली मकाम ने ख़त्म किया। कर्बला के मैदान यही सब बयान हुआ है, यही सब हुआ है। नाम साबला दरगाह आला हजरत से लालकुआ की सरजमी पर तशरीफ लाए और हजरत ने ये पैगाम दिया कि कर्बला से अमन का पैगाम मिला है, कर्बला से अमन का पैगाम मिला है और हम तंजीम रजा कमेटी को ये आदेश देते हैं कि ये गरीबों की मदद करे और लाचारों की मदद करे, जहाँ भी हो सके उसमें ये ना देखा जाए मदद करने में कौन अपना है कौन पराया है। हजरत का एक मिशन है जो हिंदुस्तान में है वो हमारा है, यही तंजीम रजा कमेटी का मिशन आगे ले जाने के लिए कहा गया है और ये हर साल इसी तरीके से जो जलसा कराते हैं जिक्र शहीद आजम ये लोग कराते रहें, हम इनके साथ में हैं और एक इन लोगों ने अज़्म मुसम्मम किया है कि आने वाले वक्त में इज्तिमाई निकाह ये लोग कराएँगे नबी राय आला हजरत हुजूर अदनान मियां साहब क़िबला की सरपरस्ती में। ये तंजीम रजा कमेटी इंशाअल्लाह ये इज्तिमाई निकाह जल्द से जल्द कराएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।